हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा मौज मस्ती ब्लॉग। वेलकम है आप लोग का फिर से नए वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्ती में होंगे। तो आप लोग बताइए कि सावन का महीना चल रहा है, तो आप लोग कहीं घूमने उमने जा रहे हैं कि नहीं, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं, हमें ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितने दिनों से हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। कल हमने वीडियो शूट किया तो सोचा आप लोग से शेयर करें, आप लोग का मनोरंजन करें। तो छोटा सा वीडियो ब्लॉग हम बना लिए अपने बच्चों का, जो ये लोग अपने बुआ के घर जा रहे हैं, तो रेडी हमने कर दिया है। हम तो नहीं गए वहाँ पर क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से हम नहीं जा पाए, लेकिन बच्चे तैयार हो गए, रेडी हो गए वहाँ जाने के लिए। क्योंकि वहाँ पे सुबह में कथा था और शाम के टाइम में बर्थडे, दोनों एक ही पे रखा गया था कि दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। जब वो कहते हैं ना एक तीर से दो निशाने, वही वाला काम हुआ था, एक ही दिन दोनों काम कंप्लीट हो गए, अच्छे से हो गए। तो मिस हमने कर दिया, वहाँ नहीं जा पाए, बट अगर हम गए होते तो शायद वीडियो आप लोग से शेयर किए होते हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो क्यों ना हम बच्चों का यही वीडियो बना लें, थोड़ी सा उन लोग की झलक हम दिखाएं, छोटा सा वीडियो ब्लॉग बनाए हैं जो आप लोग से शेयर किए, क्योंकि आप लोग से शेयर करना अच्छा लगता है। अब तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे कैसे रेडी हो गए हैं, तीनों बच्चे। ये हमारी जेठानी जी बड़ी बड़ी नहीं मझली भाभी के बेटे हैं, जो ये भी साथ में जाने वाले हैं। ये अपने बुकों को दिखा रहे हैं, स्कूल का बुक दिखा रहे हैं कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ ये होता है, बुक में वो होता है ना, सारा सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, वही दिखा रहे हैं। तो हमारे बच्चे भी इधर उधर उनके पीछे लगे हुए हैं कि भाई चला ना जाए हमको छोड़ के, इसके वजह से उनके पीछे लगे हुए हैं। सारे रेडी हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं कि कहीं हमको छोड़ कर ना चले जाए। तो ये देखिए बच्चे कैसे तैयार हो गए, ये देखिए हमारी लड्डू को जो अपनी सैंडल लेके इधर उधर कर रही है। इसको बस हमने ऐसे ही तैयार किया था, इसको भेजने वाले हम नहीं थे, क्योंकि इनके पापा भी मना कर दिए थे कि तुम नहीं जा रही हो तो इसको छोटी वाली को नहीं भेजो, बड़ी वाली को भेज दो लेकिन छोटी वाली को नहीं भेजो क्योंकि जाके वहाँ परेशान करेगी। तो हमने बस इसको इसके दिलासा देने के लिए बस इसको रेडी किया था, हम इसको भेजने वाले नहीं थे। तो अभी देखिए इसको सैंडल, इसके वजह से सैंडल नहीं पहनाया था, तो ये सैंडल अपना लेके आई और बोली कि मम्मा पहना दो पहना दो, इसके लिए परेशान है। देखिए अब जहाँ भी जाएगी अपना सैंडल लेके जाएगी। अभी आप देख सकते हैं ये अपने दी को बोली है सैंडल पहनाने के लिए, लेकिन बेचारी ये अभी तो है छोटी, नहीं पहना पाती, खुद का तो पहन नहीं पाती है, तो बेचारी छोटी को कैसे पहनाएगी, इसके वजह से वो भी छोड़ दी बेचारी। देखिए अकेले परेशान है, सारे लोग अपने इधर उधर में बिजी हैं लेकिन वो बेचारी अपनी सैंडल को लेकर ही बिजी है। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। फाइनली आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो, 3 मिनट कुछ सेकेंड हो गए लेकिन अभी बेचारी ये लड्डू अपनी सैंडल को लेके ही परेशान है। इनको अभी तक कोई पहनाया भी नहीं है, ये परेशान है, सोच रही है अगर हम सैंडल नहीं पहनेंगे तो हम जा नहीं पाएंगे, ये कहीं भी जाएंगी ना तो अपना सैंडल भले ही कपड़ा पहनी रहे या ना पहनी रहे, सैंडल जरूर इनको चाहिए। ये सैंडल उठा के ही दौड़ती हैं कि हाँ सैंडल पहन ले अपना, ये नहीं सोचेंगी कपड़ा पहने है कि नहीं पहने, बस इनको सैंडल पहन के जाना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि लड्डू अभी जा पा रही हैं कि नहीं जा पा रही हैं, आप लोग को दिखाएंगे कि ये फाइनली गई कि नहीं गई, आप लोग को सब बताएंगे, बस आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग देख रहे हैं ये बेचारी सोच में पड़ी हुई हैं, क्या सोच रही हैं, अब तो ये इन्हें ही पता होगा कि ये क्या सोच रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं सोचते हुए भी। ये क्या, ये तो सोचते सोचते इनको हमारा ख्याल आ गया, अब ये हमारे पे गुस्सा उतारने वाली हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हम इनको सैंडल नहीं पहना रहे हैं तो इसका मतलब हम इनको भेजने वाले नहीं हैं, इस वजह से ये हमसे नाराज हैं, गुस्सा है, फिर भी मेरे पास आ रही हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि अगर इसको हम कितना भी डांटे रहते हैं ना, अगर बड़ी वाली को डांट रहते हैं उसको बुलाएंगे तो नहीं आती है, लेकिन ये छोटी वाली है, इसको अगर डांट भी देते हैं ना अगर फिर बुलाएंगे तो फिर ये मेरे पास जल्दी से आ जाती है, ये हमारे बिना रह नहीं पाती है। तो आप लोग देख सकते हैं लड्डू कैसे जिद मचाई हुई हैं अपनी सैंडल को लेकर,
ये बोल रही है कि हमें चाहिए, हमें पहना दो, हमें पहना दो, हमें जाना है, लेकिन हमने इनको बस दिलासा दिया है कि हाँ जाओगे, लेकिन इनको भेजने वाले नहीं है हम। लेकिन फिर क्या हुआ, इनके दादाजी आए, वो बोले नहीं ये कैसे रहेगी घर पे, इसको तो हम ले के जाएंगे, लेकिन अभी इनको पता नहीं है, इसके वजह से ये रो रही हैं। लेकिन फाइनली ये भी चली गई साथ में, सबके साथ चली गई घर पे, बस हम और एक भैया हैं वो बस रुके हुए थे, बाकी कोई घर पे नहीं था, तो सारे लोग चले गए हम लोग को छोड़ के। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर दीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे खास बात, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।